ब्लैक सी पे बसे हुए जॉर्जिया के बहुत ही सुंदर कोस्टल शहर बाटूमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डरिंग मॉन्क। ऐसा कहा जाता है कि जॉर्जिया वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्री है यूरोप में, सच है कि गलत? इस वीडियो में हम लोग वही तलाशेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें चेक करनी है, पानी कितने का मिलता है, दूध कितने का मिलता है, कोल्ड ड्रिंक कितने का मिलता है, ग्रॉसरी के सामान चिप्स वगैरह कितने के मिलते हैं, ट्रांसपोर्ट का क्या हिसाब है, स्टे का क्या हिसाब है। और खर्चे की शुरुआत हो चुकी थी कुटेसी एयरपोर्ट से ही, जब मैंने बस पकड़ी थी और आया था मैं कुटेसी से बाटूमी। यहाँ पर जॉर्जियन बस खड़ी है, दूसरी बस आएगी बाटूमी तक जाने के लिए। अगर आप बस से जाएंगे तो 25 लारी लगते हैं और बोल्ट ऐप से अगर आप टैक्सी बुक करेंगे, बोल्ट या कोई भी यांडेक्स ऐप से, तो 100-110 लारी के आसपास होते हैं। एक लारी होता है 30-31 रुपए। दो बसें जैसे चलती हैं, जॉर्जियन बस एंड ओमनी बस। मैंने कराया है टिकट जॉर्जियन बस से। यहाँ से टोटल डिस्टेंस है बाटूमी का 160 किलोमीटर, टाइम लगते हैं 2 घंटे। ये जो दोनों बसेस खड़ी हैं, ओमनी बस और जॉर्जियन बस की, ये दोनों टिबलिसी जाने वाली हैं। काफ़ी सारे फ्रीक्वेंट ऑप्शंस हैं बसेस के और काफ़ी इकोनॉमिकल भी। ये अराइवल का एरिया है, यहाँ से बाहर निकलेंगे, सामने ही सारी बसेज हैं। ये वाली जो ग्रे कलर की बस है, ये लेके जाने वाली है मुझे बाटूमी। इस बस में बैठने वाला पहला प्राणी मैं बना, 10:30 बज रहा बैठ गया हूँ। ये चलेगी शायद 11:15-11:30 के आसपास। सीट बढ़िया वाला कब्जा कर लिया ताकि आप लोगों को अच्छे से रास्ता दिखा सकूं। बस में मोबाइल लैपटॉप पे इंटरनेट एक्सेस करने के लिए वाईफाई की सुविधा भी दे रखी है। स्पीड कैसी है, चलता कैसा है, वो बाटूमी पहुँचता हूँ फिर बताता हूँ। वैसे तो इनके बस का डिपार्चर टाइम है 11:20, लेकिन पोलैंड से एक फ़्लाइट आनी है, उस फ्लाइट में काफ़ी सारे पैसेंजर हैं जो कि इस बस से बाटूमी जाने वाले हैं। तो उन्होंने बोला कि शायद 10 मिनट ऊपर नीचे होगा, बट टाइम था 11:20 का, 11:30 हो गया, नहीं चली, 11:40 हो गया, नहीं चली। अभी भी इंतज़ार हो रहा है कि कुछ और सवारी आ जाए, थोड़ी बस भर जाए, क्योंकि मुश्किल से 7-8 लोग होंगे बस में, उसके बाद फिर निकलेंगे यहाँ से। बाटूमी पहुँचने में सिर्फ बचे हैं 26 किलोमीटर, 26 मिनट और लगने हैं। और लास्ट का जो पोर्शन है पिछले 45 मिनट का, काफ़ी ज़्यादा सुंदर, एक तरफ पूरे माउंटेन्स से घिरा हुआ है, बहुत ही सीनिक रास्ता है। बस ने बाटूमी के बस स्टॉप पे उतार दिया, रेडिसन ब्लू होटल के बहुत पास में है। मेरे ठीक सामने रेडिसन ब्लू होटल है और उसके सामने ही है वो बिल्डिंग जिसमें मैंने अपार्टमेंट बुक किया 2 रातों के लिए, तो उसका नाम है पोर्टा बाटूमी। कैसा है, कितने का है, वो सारी चीज़ें वहाँ पहुँच के दिखाता हूँ। एरिया बहुत सही लग रहा है मुझे, आई एम श्योर आप लोग को भी लग रहा होगा। थक थोड़ा ज़्यादा गया हूँ यार, कल 6:40 पे घर से निकला था और अभी इंडिया में बज गए हैं 3:30 और अभी भी अपार्टमेंट में घुसा नहीं। मेरा अंदाज़ा करेक्ट है, यही वाली ऊंची वाली बिल्डिंग है पोर्टा बाटूमी टावर, रेडिसन के जस्ट अपोजिट। सेल्फ चेक इन है, देखता हूँ कैसे करना है। थैंक यू डेविड, मुझे रिसीव करने के लिए नीचे खड़े थे। आई एम टॉकिंग टू माय ऑडियंस दैट डेविड इज स्टैंडिंग टू रिसीव मी नियर द रिसेप्शन बिकॉज द क्लीनिंग इज़ गोइंग ऑन। सफाई हो जाएगी फिर इनके जो सफाई वाले बंदे होंगे वो नीचे आएंगे, फिर हमें चाबी देंगे, तब मैं ऊपर जाके चेक इन करूँगा, थोड़ा सा सामान फैलाऊँगा, आई टेक अ बाथ एंड देन एक्सप्लोर बाटूमी। मेरे साथ तो डेविड आ गए थे इसलिए मुझे चेक इन करना नहीं पड़ा खुद से, अदरवाइज आपको करना है तो यहाँ पे नंबर पंच इन कीजिए, ये रकम खुल जाएगा, इसमें चाबी निकलेगी, 2 चाबियाँ हैं, ये बड़े दरवाजे के लिए, अपार्टमेंट का नंबर है 2013। उसके अंदर घुसेंगे तो 2 अपार्टमेंट है, ए एंड मेरा वाला है बी। घुसते ही
सबसे पहले बाथरूम है, और इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे जेट स्प्रे लगा हुआ है। अच्छा है, काफ़ी बड़े साइज़ का बाथरूम है। और उसके बाद आता है ये बेडरूम, फिर बड़े साइज़ का बेड है। बेडरूम भले ही छोटा हो, एसी इसके अंदर नहीं लगा है। ऐसा इन्होंने बोला कि शाम को अगर खिड़की खुली रहेगी तो काफ़ी ठंडा हो जाता है। अगर आपको एसी चलाना है तो एसी कॉरिडोर में लगा, उसको चलाइए, दरवाजे को खुला रखिए। उसके बाद बाहर निकलेंगे तो आ जाएगा ये हॉल, जहाँ पे स्मार्ट टीवी रखा हुआ है, सोफ़ा कम बेड है, एक दो लोग यहाँ भी सो सकते हैं, डाइनिंग टेबल है, फुल्ली फ्लेजेड किचन है, किचनेट है, पूरा बर्तन भरा हुआ है, हॉट प्लेट, माइक्रोवेव, पानी गर्म करने वाला, इनफैक्ट वॉशर भी है। बास्केट भी इन्होंने दिया है जिसमें दो ड्रिंक्स हैं, पानी है। ये वाला अपार्टमेंट मुझे पड़ा 5800 का टू नाइट्स के लिए। मैंने पहले बुक कर रखा था वो ऑर्बी सिटी, एक आगे ऐसे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, उसमें था कुछ 4000 के आसपास, 3900 का। ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको बुक किया, उसको कैंसिल करके। ऑर्बी सिटी और उससे आगे बढ़ेंगे तो 2500 से 4000 के बीच में दो रात के लिए आराम से मिल जाता है, यानी कि लगभग 1200-1300 रुपये पर नाइट से आपको अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे। लेकिन वो थोड़ा सा सेंट्रल लोकेटेड नहीं है, सेंट्रल से बाहर जाके है। ये वाला सेंट्रली लोकेटेड है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है इस अपार्टमेंट की, इतना बड़ा सा विंडो और व्यूज़, पहाड़, ब्लैक सी और नीचे प्रोमिनाड। और इसको बोलते हैं अल्फाबेट टावर। इसमें ऊपर जाके रेस्टोरेंट में आप खाना खा सकते हैं। व्यूज़ ऐसे ही दिखाई देंगे जैसा मेरे अपार्टमेंट से दिख रहा है, तो मैं तो नहीं जा रहा हूँ। अगर आप यहाँ नहीं रुक रहे तो ऊपर जाके आप खा सकते हैं। साथ ही मिल जाती है ये वाली बालकनी, काफ़ी बड़ी सी डिसेंट सी बालकनी है। बालकनी में बैठ के आप ब्लैक सी के मजे लीजिए अल्फाबेट टावर के साथ, और दूर दूर तक फैला हुआ ब्लैक सी का कोस्ट। तो कैसा लगा आपको ये अपार्टमेंट यहाँ से व्यूज़, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। व्यूज़ आपको सिर्फ हॉल से नहीं मिलेंगे, बेडरूम से भी काफ़ी बढ़िया ज़बरदस्त व्यूज़ हैं। ये रहा मेरे पीछे मेरी अपार्टमेंट बिल्डिंग, और सामने ये अल्फाबेट टावर, वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में से एक है बाटूमी में। ये काफ़ी सारे लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए, घूमने के लिए, शाम को वीकेंड्स पे काफ़ी भीड़ होती है। पीछे जो चार चक्के वाली साइकिल रखी, मैंने पूछा कितने में देते हैं, चार लोग तीन लोगों से चलाने में मज़ा आता, 20 लारी लेते हैं आधे घंटे का और 30 लारी लेते हैं एक घंटे का। तो जो मैं बोल रहा था कि जॉर्जिया प्रॉब्ली वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्री है यूरोप में, मोर ऑर लेस उन्हीं लाइन्स में, बहुत महंगी तो नहीं कहूँगा। ये भी थोड़ा नेगोशिएट कर सकते थे, मैंने नेगोशिएट किया नहीं क्योंकि मुझे अकेले को चलाना नहीं था। जैसा मैंने बोला था कि इस वाले टावर पे अपने अपार्टमेंट से ऊपर जाएंगे तो 20 लारी लेते हैं टॉप तक जाके ऑब्जर्वेशन डेक से व्यूज़ देखने का। अगर आप बाटूमी आ रहे हैं और इधर अपार्टमेंट में नहीं रुक रहे तो इस पे जा सकते हैं। अगर रुक रहे हैं तो कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि सेम ही व्यू देखने वाला है, हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होगी, देखने में अट्रैक्टिव है नीचे से। देखिए इस एरिया में अल्फाबेट टावर, और आगे बढ़ जाइए। ये भी एक फेमस स्कल्पचर है, मी यू एंड बाटूमी, 2012 में बनाया गया था। स्कल्पचर के साथ आप बैठ के फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, मेरे साथ कोई फ़ोटो खींचने वाला नहीं है इस ट्रिप पे, मैं सोलो निकला हुआ हूँ तो 360 डिग्री कैमरा काम आ रहा है। अचानक से थोड़ा बादल सा आ गया है, धूप चली गई है, पर वेदर प्रेजेंट है अभी भी। बड़ा बढ़िया सा झूला बना रखा है लव बाटूमी का, और पीछे ब्लैक सी के नज़ारे। बीच तक आया तो ज़रा किनारे चल के भी देखा जाए कैसा है बीच, बीच तो बीच जैसे ही होगा। और यहाँ पे पेबल्स हैं, पानी डेफिनेटली साफ हो गया यहाँ पे। अभी समर्स ख़त्म हो गए हैं इसलिए भीड़ थोड़ी कम है, समर्स में मैंने देखा है और पढ़ा है और सुना है कि बहुत भीड़ होती है, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे। पानी पीना वैसे भी अच्छा ही लगता है। अगर आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना मिस मत कीजिएगा। लाइक और शेयर से रीच बढ़ती है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है, अनुरोध है कि लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिस बोरे वर्ल्ड पे अभी मैं टहल रहा हूँ ये बहुत लंबा है, ये एक छोर है, दूसरा छोर एयरपोर्ट के आसपास तक है अगर मुझे करेक्ट पता है तो। इस पर बहुत सारे साइकिल रेंट पर मिल जाते हैं,
आप साइकिल लेके पूरा बोलेवार्ड नाप सकते हैं। वो चार पहिए वाला रिक्शा है, वो भी लेके आप टहल सकते हो। ये वाला एरिया जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, यहाँ से बोट ट्रिप्स होती हैं। और ये एक फेरिस व्हील है, जो जायंट व्हील इसका ले रहे हैं 10 लारी। सोच रहा हूँ चल के देखा जाए कैसा दिख रहा है ऊपर से, और मैं भी देख लूँगा कैसा दिखता हूँ ऊंचाई से। बाटुमी शहर काफ़ी बड़ा है वैसे ये जायंट व्हील, और टोटल ये एक सर्किल लेता है 9 से 10 मिनट का। बढ़िया दिख रहा है व्यू यहाँ से, 360 डिग्री। वो वाला जो है अल्फाबेट टावर, उससे तो ठीक ही है ये 10 लारी, उसका ले रहे हैं 20 लारी। हाइट ऑलमोस्ट सेम ही है। काफ़ी सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, जेट्स की, पैरासेलिंग, एडवेंचरस लोगों के लिए काफ़ी कुछ है। अगर आप भी एडवेंचरस हैं तो आ सकते हैं और कर सकते हैं। ये है एली ए नीनो का मॉन्यूमेंट और ये है उनकी स्टोरी। इंटरेस्टेड होंगे तो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ये देख रहे हैं मॉन्यूमेंट पीछे, इसकी खासियत ये है कि दोनों सिंगल एंटिटी बन जाते हैं विदाउट टचिंग ईच अदर। देखिए अभी पीछे एक कॉफ़ी शॉप है, एक्चुअली ड्रिंक्स की शॉप है, सब कुछ ही बेच रहे हैं, हॉट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, जूसेज। तो मैंने एक लाते ऑर्डर किया है ये इतने बड़े गिलास में। अभी बिल आएगा तो पता चलेगा कितने का, मैंने चेक नहीं किया, वो मैं बताता हूँ पीने के बाद। पीछे जो 10 लारी में जो एक्टिविटी की थी मुझे मज़ा आया यार, जो जाइंट व्हील के ऊपर से अच्छे व्यू दिख रहे थे, वर्थ था 10 लारी के। उससे ज़्यादा होता तो शायद मज़ा नहीं आता, पर ये ठीक था। टूरिस्ट प्लेस की प्राइस ली इन्होंने कॉफ़ी की मुझसे 15 लारी। 15 लारी तो काफ़ी ज़्यादा हो गई, 450 के आसपास, इतनी तो स्टारबक्स भी नहीं देता। हालांकि क्वांटिटी ज़्यादा थी। अभी अंधेरा हो गया है तो लाइट वगैरह जलने लगी, लुक थोड़ा सा और बेटर हो गया है। पूरा अंधेरा हो जाता होगा तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता होगा। ये फ्रूट स्टॉल पे मुझे प्राइसेस ठीक लगे। ये वाला छोटा सा ग्लास दिया ये 5 लारी का, 5 लारी मतलब 150। देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, पूछ लिया था तो ले लिया। प्राइसेज वैसे ठीक लगे मुझे, जितने टूरिस्ट स्पॉट पे पहले 15 लारी का मैंने कॉफ़ी पिया उसके हिसाब से। यहाँ पर पीछे एक इंडियन रेस्टोरेंट है साझा चूल्हा, लेकिन आज इंडियन खाने की इच्छा नहीं है, कुछ और ट्राई करूँगा। क्या करूँगा दिखाता हूँ आपको, पर मेरे एकोमोडेशन के काफ़ी पास है साझा चूल्हा। ये कॉबलस्टोन वाली रोड गाड़ी में चलने के लिए अच्छी नहीं लगती, पर क्लासी बड़ी लगती है। ये मेरे पीछे बाटुमी का एक और लैंडमार्क, नेपच्यून फाउंटेन बोलते हैं इसको, बहुत ही सुंदर गोल्डन कलर का दिख रहा है। मेरा एकोमोडेशन जहाँ पे है वो इतना सेंट्रली लोकेटेड है कि आप इस जगह से भी देख सकते हैं, वो पीछे रेडिसन और उसके पीछे पोर्टा, बहुत ही सही लोकेशन पर मिल गया। जितनी भी जगह पे मैं गया अभी तक सारे के सारे 1 किलोमीटर से कम दूरी पे, तो टैक्सी लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तो वेगास बोला जाता है ब्लैक सी का, पीछे कैसीनो देखिए, रेडिसन में कैसीनो, लिबरेडिन में कैसीनो, मैरियट में कैसीनो, जितने 5-स्टार होटल हैं सारे के सारे होटल्स में एक कैसीनो ज़रूर है। ये स्पार नाम का एक रिटेल चेन है, यहाँ में देखने आया दूध और पानी कैसे मिल रहा है, कोल्ड ड्रिंक कैसे मिल रहा है। ये बड़ा वाला जो बॉटल है 1.85 लारी, यानी कि 50 रुपये के आसपास, 60 से थोड़ा सा कम। ये 1.75, 1.99 लारी। सबसे सस्ता ये पानी का बॉटल है 1.5 लीटर का, 0.99 सेंट का, इंडिया जितने ही है, महंगा नहीं बोलूँगा। कोका कोला है 1.8 छोटा वाला, बड़ा वाला 3.6।
बासमती राइस है 10 लारी 300 रुपये का 800 ग्राम, और सिंपल राइस है 5 लारी का 800 ग्राम, 850 ग्राम के पैक है। थोड़ा तो आपको आइडिया मिल ही गया होगा। ये रिफाइंड ऑयल है 4.39, 5.9, 4.29, मिलर की है 3.65, बडवाइजर है 4.45। ये रैक है दूध का 4.99, 5.35, अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से, 1 लीटर 1.5 लीटर। दो सामान लिए 4.5 लारी का पड़ा, 3.29 लारी का दूध था 0.5 लीटर 100 रुपये, मतलब 200 रुपये लीटर लगभग। और ये फुल फैट है, स्किम नहीं है। इस एरिया की सारी बिल्डिंग बड़ी क्लासिकल लग रही है, टिपिकल यूरोपियन आर्किटेक्चर वाली, और लाइटिंग करके तो और भी सुंदर कर रखी है। मेरे पीछे जो आप अंधेरा सा देख रहे हैं वो है यूरोप स्क्वायर, काफ़ी फेमस एरिया है। एक साइड की लाइट नहीं जली है इसलिए उतना मज़ा नहीं आ रहा है, और बहुत फेमस स्क्वायर है, एक साइड में लाइट जल रही है। ये जो रेस्टोरेंट है वीगन ब्रू कैफे नाम से, मेरे होटल के पास में ही है, वॉक करके आ गया। देखता हूँ कैसा है, बर्गर खाने की इच्छा हुई, बर्गर खा के एक बार देखता हूँ। वीगन छोटा सा कैफ़े है, खुद ही चलाते हैं जो ओनर है। काफ़ी यूनिक तरीके से इंटीरियर किया हुआ है, ज़्यादा लोग हैं, 3 टेबल ही हैं, ज़्यादातर डिलीवरीज या टेक अवेज ही होते हैं। इन्होंने गुड जेस्चर में चाय का कप पकड़ा दिया बिना चीनी वाले, बिना दूध वाला, और मैंने ऑर्डर किया फलाफल बर्गर। कुछ ऐसा दिखता है मेरा फलाफल बर्गर, मुझे लगा था पेट नहीं भरेगा, लेकिन इतना बड़ा है साइड में कि डेफिनेटली भर जाएगा। इसको खाना भी अपने अपने चैलेंज इतना बड़ा है, इसीलिए अलग अलग पहले फलाफल खा लेता हूँ। क्वाइट नाइस एंड हॉट। इसकी साइज देखिए, थिकनेस, खाने के बाद मुँह खुला कर रहा हूँ। वेरी टेस्टी, वेरी वेरी टेस्टी। 12 लारी के लिए बर्गर टोटली वर्थ है यार, मज़ा आ गया। लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप वेजिटेरियन और वीगन खाना तलाशेंगे बाटूमी में, यहाँ के बर्गर खाइएगा फलाफल वाला, मज़ा आ जाएगा। ये शहर ब्लैक सी के वेगास के नाम से मशहूर है, लेकिन उसके हिसाब से 7:30-8 बज रहा है, काफ़ी डल है और काफ़ी सन्नाटा सा पसरा हुआ है पूरे शहर में। ऐसा लगता है सब लोग सो गए या तो सब लोग कैसीनो पहुँच गए। ये जो कैफे थे, यहाँ से मेरा होटल है कुछ 600 मीटर। टैक्सी ऐप पे दिखा रहा था 2 से 3 लारी, 2 से 3 लारी मतलब 60 से 90 रुपये। जापान में मैंने 800 मीटर के लिए 500 रुपये दिए थे, उससे आपको समझ आ जाएगा कि ये जगह कितनी सस्ती है। तो बेसिकली आज के वीडियो से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जॉर्जिया इन जनरल या बाटूमी कितना महंगा या सस्ता है। वीडियो अच्छा लगा हो, जो जगह मैंने दिखाई आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक करना मिस मत कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। बाटूमी अभी काफ़ी कुछ बाकी है, कल मैं एक्सप्लोर करूँगा, अगले वीडियो में डालूँगा। जब तक अगला वीडियो डालूँ तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।